इस कुदरत ने आपके लिए जो तय किया है, या ये कहिए कुदरत ने नहीं, खुद आपने सोल वर्ल्ड में अपनी सोल की उन्नति के लिए अपने मार्गदर्शक की मदद से, उनकी सलाह से, अपने लिए जो आपने सही समझा उसे आपने चूज किया है। और कई बार जो आपका ये सोल प्लान होता है, जिसे आप अपना सोल वर्ल्ड में बना के आए हैं, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, आपकी जो अंतर प्रेरणा है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है कि आप अपने आप ऑटोमेटिकली उस पाथ पर चल पड़ते हैं। कोई रीज़न नहीं, कोई वजह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी आप उसी पाथ पर चल पड़ते हैं। अब लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, लास्ट वीडियो में टोंग के साथ क्या हुआ। टोंग जो कि अकेलेपन से जूझती आई है, कई जन्मों में उसने अकेलापन, बिल्कुल बिल्कुल डिटैच, दुनिया से डिटैच ऐसा उसने वक्त गुजारा। अब उसकी डेस्टिनी क्या थी, उसे सिखाना क्या था, उसका सोल प्लान क्या था, कि उसे समाज के साथ प्रेम ही ऊर्जा है लोगों को जोड़ने की, उसको फील करना था। जब टोंग ने कई जन्मों में इस अकेलेपन का जो दर्द है उसे झेला, तो इस बर्थ में जो मानवीय संबंध होते हैं, उनकी जो कोमलता होती है, उसकी जो ऊष्मा होती है, उसे उसने फील किया। अब देखिए, टोंग डॉक्टर विज से मिलने से पहले ही समाज सेवा से जुड़ चुकी थी, और उससे पहले ही उसने दो बच्चों को गोद ले लिया था। यानी जो उसका सोल प्लान था, समाज के साथ अटैच होना और मानवीय संबंधों की कोमलता क्या है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की ऊर्जा क्या है, उसे फील करना, सबके साथ जुड़ के मिल के आगे बढ़ना, वो जो एक उसका लेसन था, वो पहले ही चल पड़ी थी उस पाथ पर। उसे डॉक्टर विस की ज़रूरत नहीं थी, वो तो उसकी खुशकिस्मती थी कि वो मिल पाई उनसे और जो भी प्रोसेस रहा आगे चला। लेकिन उससे पहले ही उसका सोल प्लान फुलफिल होने लगा था, वो अपने सही पाथ पर चल पड़ी थी। अब आज की जो महिला है, जुबीना, जिनकी कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अब इनके साथ क्या था। ये कहती हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे अपने पति को लेकर वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी कि वो अपना ध्यान नहीं रख पाएगा, वो ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। वो कहीं बाहर भी जाता था तो बहुत ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिव, कहीं बाहर भी जाता था तो क्यों गए थे, कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों हो गई, हर वक्त उनकी चिंता करना, बेचैन रहना। अपने पति से वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि पति तो अब आयु में बड़े थे, तो वो उसकी बात को बचपने वाली बातें हैं ना, कि आपकी चिंता होती है, तो पति को ज़्यादा वो कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन उसके अंदर डर रहता था अपने पति को लेकर कि वो अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, वो तो सीधे हैं, समाज के साथ डील कैसे करेंगे। तो हर वक्त उसके मन में अपने पति को लेकर एक चिंता रहती थी। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि समस्या कहीं और है, हम ये मान के चल रहे होते हैं कि जैसे दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में कुछ रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पत्नी कहती है पति गलत है, पति कहता है पत्नी गलत है, या जो भी पार्टनर्स में झगड़ा होता है वो बोलेंगे वो गलत है। अब एक्चुअल में चल क्या रहा था, जुबीना अपने हस्बैंड, जो कि एक मैच्योर इंसान था, समझदार व्यक्ति था, वो कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं था, उस पर हर वक्त उनकी चिंता करना, ये जो चीज़ थी ये उसके पति की कमज़ोरी नहीं थी, ये उसकी कमज़ोरी थी। जैसे माँ होती है ना, माँ हर वक्त अपने बच्चों को लेकर चिंता करती है, बच्चा 30 साल का भी हो जाता है तब भी माँ कह रही होती है अरे मेरा बच्चा बहुत भोला है, दुनिया में कैसे डील करेगा, अरे दुनिया बड़ी ख़राब है, उसको तो ये नहीं आता, अरे वो खाना कैसे। अब 30 साल का बच्चा है, लेकिन माँ क्या चिंता कर रही है, बच्चा मेरा खाना कैसे बनाएगा, उसे तो खाना बनाना नहीं आता। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम उस बच्चे में नहीं है, वो तो एक 30 साल का मैच्योर मैन है, वो कर सकता है, वो खाना भी बना सकता है, वो अकेला भी रह सकता है, वो ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना भी कर सकता है, वो अपने आप में परिपक्व है। माँ ही कमज़ोर है, कमी कहाँ है, कमी तो माँ में है, लेकिन माँ कमी कहाँ ढूंढ रही है, बच्चे में। यानी समस्या की जड़ जहाँ है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, समस्या की जड़ को कहीं और तलाशा जा रहा है। अंगूठी खोई है पार्क में, ढूंढा जा रहा है उसे बालकनी में, अरे जहाँ खोई है वहीं तो ढूंढिए।
ठीक इसी तरह से जुबीना का केस है, जो कि अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। पर जुबीना के साथ ये हमेशा की बात थी, क्योंकि बचपन से, देखिए इस केस में एक बहुत खूबसूरत चीज़ निकल के आएगी कि किस तरीके से आपके अंतर प्रेरणा आपको गाइड करती है। ये थोड़ा सा अनोखा है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप अंत में पाएंगे, इस केस के अंत में पाएंगे कि इसमें कुछ ऐसा घटित हुआ जो नॉर्मली पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस में घटित नहीं होता। तो जैसे कि जुबीना बचपन से ही, क्योंकि उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था, वो बचपन से देखती आ रही थी कि उनके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा रहता है। और एक दिन उनके मम्मी पापा के बीच में जैसे प्रॉपर तलाक होना चाहिए था, तलाक भी हो गया। वो चार बहनें थीं और जो सबसे बड़ी बहन थी वो अक्सर घर से बाहर रहा करती थी, वो थी दूसरे नंबर पे थी। तो जो छोटी दो बहनें हैं उन्हें संभालने की जिम्मेवारी उसी के ऊपर थी। तो ये जो अकेलापन है, डर है, चिंता है, अपनों की चिंता है, ये शायद उसको बचपन से मिली है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, पास्ट बर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, इसी बर्थ में नज़र आ रहा है कि बचपन से ही उसने अकेले रहते हुए अपनी जो बहनों को संभाला उसी में नज़र आ रहा है कि कहाँ से उसके अंदर डर घर कर गया। क्योंकि बचपन में से ही शायद उसके अंदर डर घर कर गया होगा कि मेरी बहनें हैं, अकेली हैं, बच्चियाँ हैं, कौन ध्यान रखेगा, ऐसा कुछ डर उसमें बचपन से होगा। खैर वो बड़ी होती गई, जब वो 25 वर्ष की आयु की हुई तो उसकी शादी भी हो गई। वो और उसके पति दोनों एक साथ ही एक ही दफ्तर में काम किया करते थे और उन्हें वक्त भी मिल जाता था, क्योंकि एक ही दफ्तर में थे तो वक्त मिल जाता था एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का। उसके पति भी अच्छे थे, वो इस बात का ध्यान रखते थे कि जुबीना को जो भी सुख और सुरक्षा मिलनी चाहिए एज ए पत्नी वो उसे मिले। लेकिन उसके पति जो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाया करते थे, या उन्होंने कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करी हुई थी तो वो रात को वहाँ चले जाया करते थे और अपने दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारना पसंद किया करते थे। और कई बार हर वक्त 24 आवर्स तो वो जुबीना के साथ नहीं हो सकते, तो उस वक्त वो अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती थी। देखिए अब हर वक्त चाहे पति पत्नी भी हों वो 24 आवर्स एक दूसरे के साथ नहीं होते, चाहे माता पिता हों वो भी 24 आवर्स एक दूसरे के साथ नहीं होते। अपनी अपनी, चाहे आप कितना भी प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी अपनी एक प्राइवेट जिंदगी होती है सबकी। तो जुबीना को अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा, जब भी वो उनसे दूर जाते थे, चिंता रहती थी। और कुछ वक्त के बाद जब बिल्कुल ही, क्योंकि उसे अकेलापन बहुत खाता था, तो उसने बच्चे पैदा करने का फैसला किया। लेकिन किस्मत का खेल था कि वो भी नहीं हो सके। उसने माँ बनने की कोशिश करी, वो नहीं बन सकी। तो ऐसे में उसने दो बच्चों को गोद भी लिया और उसके पति की मर्ज़ी के साथ बहुत खुशी से उन्होंने भी उन बच्चों को गोद लेने में उसका पूरा साथ दिया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो एक बार जुबीना ने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सीढ़ी होती है, जिस तरीके से डॉक्टर विज के निर्देश थे, उसने खुद ही अपनी ही भाषा में, अपनी ही ज़ुबान से उसे तैयार किया और खुद ही उस सीढ़ी का, क्योंकि मैंने एक केस में पहले भी जिक्र किया था कि एक लड़की ने भी इसी तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। इसमें वक्त बहुत लगता है लेकिन ये प्रोसेस भी कारगर होता है। तो यहाँ पर भी वक्त लगा जुबीना के केस में भी, लेकिन उन्होंने जब इस तरीके से अपना सेल्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना शुरू किया तो उन्होंने देखा इस रिग्रेशन के दौरान कि एक बहुत उजाड़ सा, एक बहुत सुनसान सा इलाका है जहाँ से वो क्रॉस कर रही हैं, और वो एक बहुत तंदुरुस्त, लंबे चौड़े, मजबूत पुरुष के रूप में है। और उसको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी लड़ाई में हिस्सा लेकर वो घर को ओर आ रहा है। बहुत एक मजबूत शरीर, लेकिन मैला कुचैला सा, धूल मिट्टी से भरा हुआ, पसीने से लथपथ। उसने एक हथौड़े जैसी भी कोई चीज़ है जो अपने कंधे पर, वो भारी सी चीज़ है जिसे उठाया हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे ये उसका हथियार है। तो वो एक योद्धा है, बहुत मजबूत योद्धा, जो शायद किसी युद्ध को लड़कर वापस घर आ रहा है। बहुत थका हुआ है लेकिन फिर भी बहुत मजबूत कदमों से, तेज़ कदमों से, तेज़ी से घर की ओर आ रहा है। और घर पर उसका एक छोटा सा बच्चा है और उसकी पत्नी है जो उसकी राह देख रहे हैं। तो
मजबूती से चलते हुए, थका हुआ होने के बावजूद मजबूती से चलते हुए सुनसान उस उजाड़ इलाके को क्रॉस करते हुए, थका हुआ है लेकिन कहीं नहीं रुका, कहीं नहीं बैठा, बहुत तेजी से वो अपने घर की तरफ आ रहा है। बेताब है, बिल्कुल बेचैन है अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए। वो घर के करीब पहुंचता है, एक लकड़ी का बिल्कुल घास फूस जैसी एक झोपड़पट्टी नुमा मकान है, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है। वहाँ एक छोटा सा पालने में बच्चा है और साथ में उसकी पत्नी बैठी हुई है जो उसको झूला झूला रही है। और जैसे ही जुबीना ने उस बच्चे की तरफ देखा, वो फौरन पहचान गई कि वो जो बच्चा है, मतलब पास्ट बर्थ में वो उसकी पिता है लेकिन इस बर्थ में वो उसका पति है। अब एक्चुअल में उस बर्थ में, जबकि वो अपने ही आज के बर्थ के पति की पिता के रूप में है, जब वो युद्ध पर गई थी तो उसे बहुत चिंता थी अपने बच्चे की कि मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, मुझे कुछ हो गया तो उसका ध्यान कैसे रखा जाएगा, उसकी माँ की देखभाल कौन करेगा, उसकी माँ को भी समझ नहीं है। मतलब युद्ध में था, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था लेकिन ध्यान सारा था अपने बच्चे की तरफ, अपनी बीवी की तरफ, खास तौर पर मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, ये चिंता। खैर ये जो सेल्फ रिग्रेशन था बस इतना छोटा ही था, बहुत मामूली था, दो दृश्य ही थे, बस ये ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़ थी अब यहाँ पर जुबीना की समझदारी थी कि वो कनेक्ट कर सकी, वो इस चीज़ को समझ सकी कि जो समस्या थी वो उसके हस्बैंड के साथ नहीं थी, गड़बड़ उसके हस्बैंड में नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है, वो भोला नहीं है, वो डरता नहीं है, वो समाज के साथ डील कर सकता है, कमी तो उसमें थी, कमज़ोर तो वो है, समस्या की जड़ कहीं और है और वो कहीं और तलाश कर रही है, हकीकत में जड़ तो वो खुद है। अब हुआ क्या, देखिए ये तो एक पास्ट बर्थ का दर्द है ना कि अपने बच्चे की देखभाल में कर सकूं, उसे अकेला ना छोड़ूं, चिंता। इस बर्थ में भी तो यही हो गया ना, इस बर्थ में भी तो माता पिता के तलाक की वजह से उसे अकेलापन झेलना पड़ा, इस बर्थ में भी तो दो छोटी बहनें थी जिसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, जिसकी चिंता उनको रहती थी, उस बर्थ में अगर बेटे की चिंता रहती थी तो इस बर्थ में भी तो दो छोटी बहनें थी जिसकी जिम्मेदारी उस पर थी, सेम चिंता तो अभी भी थी ना इस बर्थ में भी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, अब कुछ अलग होने जा रहा है। तो वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ साथ ओमेगा में इंस्टीट्यूट है डॉक्टर विज का, तो वहाँ पर वो अपने सेमिनार आयोजित करते रहते हैं, 6 दिन के 5 दिन के उनके प्रोग्राम होते रहते हैं। तो जुबीना को मौका मिला कि वो ओमेगा में डॉक्टर विज का प्रोग्राम अटेंड कर सके और इस अपॉर्चुनिटी को उसने जाने नहीं दिया तो और उसने डॉक्टर विज का जो ये प्रोग्राम था इसे अटेंड किया। तो वो बताती हैं कि उस वक्त जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, वहाँ पर ग्रुप रिग्रेशन हुआ, तो जो देखा जुबीना ने कि वो 6 साल की बच्ची हैं और वो स्कूल से बाहर निकल रही हैं, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, वो गेट से बाहर निकल के अपनी मम्मी की वेट कर रही है कि मेरी मम्मी आएगी मुझे लेकर जाएगी, लेकिन बहुत देर हो जाती है, सबके मम्मी पापा आ रहे हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बच्चे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, सब बच्चे चले जाते हैं, स्कूल का गेट भी बंद हो जाता है, सब टीचर्स भी चले जाते हैं, वो बच्ची वहीं की वहीं खड़ी है इस इंतज़ार में कि मम्मी आएगी, मम्मी नहीं आती, वहाँ खड़े खड़े बहुत देर हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, सर्द रात है, हल्की सी ठंडक बढ़ने लगती है, सन्नाटा सा छाने लगता है, बच्ची खड़ी हुई है, बच्ची दोपहर से रात होने को आ रही है, शाम होने को आ रही है, वहीं खड़ी है मम्मी के इंतज़ार में, उसकी मम्मी नहीं आती। ये वो इस जीवन का पहला दृश्य है जहाँ पर जुबीना ने पहली बार अपने आप को अकेला और असहाय महसूस किया। लेकिन अब कुछ अलग घटा, अब ये हुआ कि अचानक से इसी रिग्रेशन की अवस्था में ही जुबीना के मन में एक ख्याल आया कि वो यहाँ अकेली क्यों खड़ी है, यहाँ खड़े रहने की बजाय ये अच्छा ना हो कि वो खुद ही घर तक चल के जाने की कोशिश करे,
घर इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो बहुत बार आ जा चुकी है अपने घर से, स्कूल, स्कूल से घर, चाहे बस में आई गई हो, चाहे अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के आई गई हो, लेकिन आ जा चुकी है ना, तो वो पैदल भी तो जा सकती है। तो फिर मन घबराया जुबीना का, तो जुबीना ने फिर सोचा, अरे कोई बात नहीं, रास्ता भूलूंगी तो किसी से पूछ लूंगी, निकलूं तो सही। अब यहाँ खड़े खड़े दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो जाएगी, कब तक इस सर्द रात में कब तक? तो उस छोटी सी बच्ची ने, 6 साल की बच्ची ने फैसला लिया खुद हिम्मत करके घर तक जाने का। उसने एक गहरी सांस ली, हिम्मत की, कदम बढ़ाया और घर की तरफ बढ़ दी। बस यहाँ पर आके ये दृश्य ख़त्म। इसके बाद दृश्य बदलता है। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि इस रिग्रेशन में कुछ खास हुआ था, जो नॉर्मली नहीं होता वो हुआ था। देखिए, ये घटना जिसे जुबीना ने महसूस किया, एक्चुअल में कभी हुई ही नहीं। हकीकत में ऐसा कोई दिन था ही नहीं जब जुबीना स्कूल में इस तरह से अकेली रह गई हो, और जुबीना में कभी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने अकेलेपन से खुद ही जूझ पड़ेगी, अकेले ही चल पड़ेगी अपने घर के रास्ते को, उतने हिम्मत भी नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जुबीना का अंतर्मन उसे प्रेरणा दे रहा था, कहीं दूर से प्रेरणा नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रिग्रेशन होता है, फिर डॉक्टर विज कड़ियाँ जोड़ते हैं, फिर माध्यम को बताते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ है, इस तरीके से हुआ है, एक्चुअल में आपका ये सबक है। लेकिन जुबीना के मामले में कुछ नहीं हुआ। उसका जो अंतर्मन था वो उसे खुद बता रहा था कि तुझे हिम्मत करनी है। और वो जो एक दृश्य गढ़ दिया, झूठा दृश्य था वो एक्चुअल में कभी घटना घटी नहीं है जुबीना की लाइफ में, लेकिन वो जो दृश्य घड़ा है ना मन ने, वो उसने उसकी हिम्मत को पंख लगा दिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद रिग्रेशन चला। देखिए, ये नॉर्मल रिग्रेशन नहीं था, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे दृश्य जुबीना के सामने से गुजर गए जहाँ उसने अपने आप को अकेला महसूस किया, बेचारा महसूस किया, तन्हा महसूस किया। उन सब दृश्यों को भी बदल दिया उसके अंतर्मन ने, उसको दिखाया कि तू रास्ता तय कर सकती थी, तू अपना फैसला बदल सकती थी, तू स्टैंड ले सकती थी, तू ये नहीं करके ये कर सकती थी। तो इस तरीके से उसके सामने से जब जिंदगी गुजरी तो जुबीना की समझ में आया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम वो खुद है, और दोहराव हुआ है। जैसे क्या होता है कि आप एक बार बिल्ली को देख के डर जाएं, पीछे भाग जाएं, तो क्या होगा? एक बार शायद आप इतने ज़्यादा डरे भी नहीं थे, आपने शोर ज़्यादा मचा दिया, आप पीछे हट गए। दूसरी बार नेचुरली आप उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, हो सकता है चेतन रूप से करें, आपको पता है। तीसरी बार भी करेंगे, चौथी बार भी करेंगे, लेकिन पाँचवीं बार आपको सचमुच बिल्ली से डर लगेगा, और आप जानबूझ के नहीं कर रहे, सचमुच आपके कदम आपको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। ये क्या हुआ? जैसे हमारा एक फिजिकली, हम जैसे आप ना अपने ख्वाबों ख्यालों में हैं, आप मान लीजिए घर से स्कूल की तरफ जा रहा है बच्चा अपनी मस्ती में है, लेकिन फिर भी वो घर से स्कूल पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि अब चाहे उसका मन जिधर मर्जी हो, चाहे उसका दिमाग जहां मर्जी हो, उसके कदमों को रास्ता पता है, कदम चल रहे हैं, कदम शरीर, मतलब कोई कहता है मेमोरी सिर्फ दिमाग में है, नहीं, मेमोरी दिमाग में नहीं है, मेमोरी उस कदमों में भी है, कदमों को भी रास्ता पता है, ध्यान जिधर मर्जी हो, फ़ोन पे बात कर रहे हैं लेकिन कार ड्राइव करके सीधा अपने घर पहुंचेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपके हाथों को पता है अब इधर मुड़ना है, अब यहाँ। आप अगर पैदल चल के कहीं जा रहे हैं, बार बार हर रोज़ उस रास्ते से जाते हैं, तो आप जिससे मर्जी बातें करते रहिए, जहाँ मर्जी आपका ध्यान हो, आपके कदम आपको सही जगह पर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि याद है कदमों को रास्ता। इसी तरह से अगर आपने उस बिल्ली के बच्चे को देख के आप एक बार डरे हैं, दो बार डरे हैं, तीन बार डरे हैं, तो अब याद है आपके मन को वो पैटर्न। अब आप के सामने से जब बिल्ली क्रॉस करेगी आप डर के पीछे हटेंगे। क्यों? क्योंकि मन ने उसी पैटर्न को दोहराना है जो आपने 2-4-5 बार आप उसके सामने रिपीट किया है। अब क्या किया जुबीना के अंतर्मन ने? उसको जहाँ जहाँ वो डरी, जहाँ जहाँ वो घबराई, वहाँ वहाँ उसको बताया कि अरे रास्ता कुछ और भी हो सकता था, हिम्मत तो करती,
पहली बार जिस दिन डर लगा था स्कूल में, हिम्मत तो करती अकेले बाहर जाने की, घर तक पहुंचने की हिम्मत तो करती, तो वो रास्ता उसे दिखाया उसके अंतर प्रेरणा ने। यहाँ पर डॉक्टर विज का कोई रोल नहीं, उन्होंने कोई कहानी के सिरे नहीं जोड़े, उन्होंने कोई निचोड़ निकाल के नहीं दिया सामने, यहाँ सब कुछ जुबीना के अंतर्मन ने किया, इसीलिए मैंने कहा ये केस थोड़ा अलग है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको। देखिए, अंतर्मन ने रास्ता दिखाया लेकिन उससे पहले ही जुबीना ने उस कड़ी को पकड़ लिया था। कैसे पकड़ लिया था? देखिए, जैसे कि उसका मन उसे समझा रहा था ना कि तू अपने आप को खुद अंधकार से बाहर निकाल सकती है, तू खुद अपनी मदद आप कर सकती है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो देखिए, इस कड़ी को तो पहले ही जुबीना ने जोड़ना शुरू कर दिया था। जब जुबीना माँ नहीं बन सकी तो उसने बच्चे गोद लेने का फैसला लिया, ये भी तो एक हिम्मती कदम था। उसने प्रकृति ने मेरे साथ धोखा कर दिया, प्रकृति ने मुझे बांझ बना दिया, प्रकृति ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, किस्मत ने ऐसे कर दिया, रोती रहती, उदास रहती, दूसरे बच्चों को देख कर दर्द में रहती कि मेरा बच्चा नहीं है। नहीं, उसने ये सब चूज़ नहीं किया। उसने कहा कोई बात नहीं, फिजिकली नहीं तो क्या, मैं माँ तो बन सकती हूँ। तो देखिए, ऑलरेडी वो सही पाथ पर चलना शुरू हो चुकी थी। ये सब सेशन रिग्रेशन बाद में हुए हैं, उससे पहले ही उसने सही पाथ चूज़ कर लिया था। शायद उसके अंदर प्रेरणा काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब अंदर से ही अपने आप को हील करने की जो शक्ति थी ना, वो काफ़ी प्रबल थी। अगर इतनी प्रबल ना होती ना, तो पहले से ही जुबीना को ज़रूरत नहीं पड़ी थी डॉक्टर विज की। वो पहले से ही अपना सेल्फ रिग्रेशन स्टार्ट कर चुकी थी, पहले से ही जीवन के सही पाथ पर चलना शुरू हो चुकी थी, पहले से ही उसने जैसे बच्चियों को गोद लिया, और जैसे कि उसके मन ने खुद ही उसको दिखाया कि भैया तू तो खुद ही एक झूठा किस्सा कर दिया उसके मन ने कि किस तरीके से तू स्कूल से पहला कदम बढ़ा के खुद घर की ओर पहुंच गई, जबकि हकीकत में ऐसा कभी घटित हुआ ही नहीं। तो यहाँ जो जुबीना का केस है वो थोड़ा सा अलग है, अंतर प्रेरणा से भरा हुआ है। लेकिन अब इस केस से हमारे लिए क्या निचोड़ निकल कर हाथ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि जब जीवन में जहाँ पर भी आप अटके हुए हैं, जहाँ पर भी मुश्किल है, उसका एक दूसरा पहलू भी ज़रूर होगा जो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि कुदरत का नियम है कोई भी चीज़ अपने आप में सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ अच्छी या सिर्फ इसके अपोजिट नहीं है, हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। नज़र तो डालिए, देखिए, आपको वो घटना जो आज तकलीफ़ दे रही है उसी में से कुछ बहुत खूबसूरत निकल के आ जाएगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये भी नज़र हो सकती थी इस घटना को देखने की। जुबीना का केस तो यहीं ख़त्म होता है। अगली कड़ी में हम किसी नए केस का जिक्र करेंगे और उससे अपने ही जीवन की कुछ गुत्थियों को और सुलझाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। वहाँ पर भी इसी तरह से मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो सत्य जानकारी है, जो अलग अलग माध्यमों से प्राप्त हुई है, उसके आधार पर वीडियोस बनाई जाती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान